सरकार होती है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल देती है। साथियों याद कीजिए, जब भारत की तीसरे मोर्चे की महामिलावटी सरकार थी, यही समाजवादी पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल थी, तब इन्होंने देश का क्या हाल कर दिया था। हमारे खुफिया तथा सुरक्षा तंत्र से जुड़े कई लोगों ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा काम करके गए हैं। इन लोगों ने बताया है कि किस प्रकार महामिलावटी सरकार ने हमारे पूरे खुफिया तंत्र को ही अंदर से दिमक लगा दी थी, खोखला कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। इसका खामियाजा पूरे देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ा। हाँ, फ्रंट की सरकार ने उस समय जो कुछ किया वह किसी बड़े अपराध से जरा भी कम नहीं था। वो तो वाजपेयी जी की सरकार आई जो बाद में इस नुकसानी की भरपाई करने में उन्होंने कदम उठाए और देश को बचा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से अटल जी की सरकार जाने के बाद देश ने फिर ऐसी कमजोर सरकार देखी, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार देखी, ऐसे महामिलावटी लोगों की सरकार देखी जिसने देश की सांस को ही दांव पर लगा दिया। इतना भ्रष्टाचार, लाखों करोड़ों के घोटाले, आसमान छूती महंगाई, हर तरफ जैसे त्राही त्राही मची हुई थी। 21वीं सदी के इतने अहम समय में भारत के महत्वपूर्ण 10 साल इस रिमोट कंट्रोल सरकार ने बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए, 2 पीढ़ी के सपनों को चूर चूर कर दिया। लेकिन आपको पता है कांग्रेस और उसके साथियों को इसका जरा भी मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। उनके तो सोचने का ही तरीका है, हुआ तो हुआ। देश घोटालों से गिर गया, देश का नाम दुनिया भर में बदनाम हुआ, लेकिन वो कहते रहे हुआ तो हुआ। सत्ता के गलियारों पर दलालों ने कब्जा कर लिया, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़े फैसले नहीं ले पाए, और वो तो माला जपते रहे, बेशर्मी के साथ कहते रहे, अहंकार से कहते रहे, हुआ तो हुआ। सिखों की कत्लेआम की और बोल दिए हुआ तो हुआ, जैसे उनको कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया, देश की उम्मीदों को तोड़ा और ताल ठोक कर कहते रहे हुआ 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 तो हुआ। साथियों, जब राष्ट्रहित के बजाय सिर्फ अपना हित सर्वोपरि होता है तो यही अहंकार,
यही घमंड बोलता है हुआ तो हुआ। और जब जनता जाग जाती है, जनता का चेतना जग जाती है, जनता ईश्वर का रूप होती है, जब वो इस अहंकार को पहचान लेती है, तो हुआ तो हुआ कहने वालों को हवा हो जाओ, हवा हो जाओ ये कहने की ताकत ये जनता जनार्दन में होती है। ऐसे अहंकारी लोग कभी देश का विकास नहीं कर सकते, देश को शक्तिशाली नहीं बना सकते।